विचरणशीलता होती क्या है? विचरणशीलता से तात्पर्य यह हुआ कि कोई हमारे पास सीरीज है या वितरण है, बहुत सारी संख्याओं का एक ग्रुप है या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उस वितरण में जो प्राप्तांक है वो कितने फैले हुए हैं या उनका बिखराव कितना है, ये विचरणशीलता से पता चलता है। विचरणशीलता का मतलब हो कि विचरणशीलता से यह है कि पता चलता है कि उस ग्रुप में उस नंबरिंग में टोटल में कोई व्यक्तिगत प्राप्तांक यानी कि इंडिविजुअल स्कोर उस समूह के औसत प्राप्तांक या मध्यमान से कितना ज्यादा अलग है या भिन्न है। विचरणशीलता एक तरह से वो लिमिट है या सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर या नीचे की ओर विचलित या विचलित रहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में सर्टिफाई किया है। इस पे गेम है हमारे एक विद्वान, इन्होंने कहा है कि इस पे गेम के अनुसार वह सीमा जहां तक आंकड़े अपने मध्यमान मूल्य के दोनों ओर प्रसार की प्रवृत्ति रखते हैं आंकड़ों का विचलन कहलाती है। दूसरे विद्वान है हमारे गैरेट, गैरेट के अनुसार गैरेट ने कहा है कि विचरणशीलता से तात्पर्य आंकड़ों के उस वितरण या प्रसार से है और यह वितरण आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। लिंड की उस छाया के विद्वान हमारे इन्होंने कहा है कि विचरणशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान मूल्य के आसपास विचलित रहते हैं या फैले रहते हैं या विकृत होते हैं। इसकी माप के उद्देश्य क्या होते हैं? विचरणशीलता की माप के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट वैल्यूएबिलिटी क्या होते हैं? विचरणशीलता की माप के उद्देश्य सबसे पहले तो हम इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी मध्यमान की विश्वसनीयता को परखने के लिए इसका यूज किया जाता है। मध्यमान की को परखने के लिए सेकंड एड्रेस में पुनः गणितीय विश्लेषण के लिए मैथमेटिकल फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या होता है? सांख्यिकी हम विचरणशीलता की माप के द्वारा सांख्यिकी के मानों को निकालने में सक्षम हो पाते हैं और इसके माध्यम से जो गणनाएं हैं सरल और लाभकारी हो जाती है। नेक्स्ट है
दो से अधिक श्रृंखलाओं के विचलनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ठीक है। अब है कितने प्रकार का होता है, विचरणशीलता के मापों के प्रकार। नेक्स्ट है इसमें विचरणशीलता के मापों के प्रकार। Types of measures of variability ये जो विचरणशीलता है कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप होता है इसका विस्तार रेंज। नेक्स्ट है इसका चतुर्थांश विचलन। नेक्स्ट है मानक विचलन। मानक विचलन के बाद क्या है, शतांक मान और शतांक क्रम। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा विस्तार। रेंज रेंज क्या होती है, विचरणशीलता के मापों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इसके टाइप क्या होता है, इसका टाइप होता है रेंज। रेंज विचरणशीलता की वह माप होती है जिसमें एक अंक वितरण के जो मैक्सिमम अंक होता है उसमें से मिनिमम अंक को घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो विस्तार है कोई सीरीज दी हुई है, कोई टेबल दी हुई है, उसमें से जो सबसे बड़ा अंक है उस सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वो हमारा विस्तार होता है। यानी तरीके से इसका सूत्र हो सकता है विस्तार बराबर क्या होता है, रेंज उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। मैक्सिमम वैल्यू माइनस रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एक होता है हमारा विस्तार, इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका सूत्र भी याद रखना है, इसका सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। उच्चतम मान
विस्तार और विस्तार गुणांक